अच्छी तरीके से डाल देना है। सो गाइस, ये हमारा रोटी पककर तैयार हो गया है। हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में, और आप सब देख रहे हैं मिस्टर मिसेस सभी टीडी में। तो जितने भी नए हैं, आप सबका स्वागत है इस ब्लॉग में, और आप सबका प्यार बना हुआ है, ऐसे ही आगे भी बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी को इतना प्यार देते हैं, और इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना हमारा जीवन तो अधूरा है। तो आप लोग जब प्यार देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। चलिए, हम अभी तक बाहर थे, अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, तो चलिए देखते हैं श्यामली क्या कर रही है। तो देखते हैं श्यामली क्या कर रही है किचन में। अरे वाह, बड़ा ठंडा लग रहा है आपको। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, ठंडा लग रहा है और खिड़की खुला हुआ ना, तो यहाँ से हवा आ रहा है इसीलिए, और उधर से राहुल लोगों को हंसा रहा है तो हम हंस रहे हैं। दिखा दीजिए वो उधर इधर इधर हंसा रहा है इसीलिए हम हंस रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कल आप लोग देखे थे वीडियो कि अरसा का बनाए थे, तो थोड़ा सा चावल बचा हुआ है और यहाँ आपका सेम का सब्जी बना बचा हुआ है, तो हम लोग क्यों ना सेम का पतपोड़ा रोटी बना दे, सेम पीठा जिसको बोलते हैं, सेम का पीठा जिसको हम लोग सेम रोटी बोलते हैं। राहुल जो है ना, सब्जी में टारगेट बना के रखा है, बट तुम्हें नहीं मिलेगा इस प्राणी को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सब्जी अच्छा लग रहा है, सब्जी लग रहा है, लेकिन हम पीठा खाओ फिर मेरा इसमें पीठा बनेगा। अब हम लोग इतना सब्जी देंगे, इसमें पीठा बनेगा और हम लोग इसको बनाएंगे, और उसके बाद में फिर हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बनता है। कल तो अरसा का रेसिपी देख लिए, आप लोग बोल रहे होंगे कि कंटिन्यू रेसिपी वीडियो, लेकिन अभी ठंडा का दिन है ना, और बच गया था ना चावल का गुड़ी, तो हम सोचे क्या करेंगे, और आज सेम का सब्जी भी बनाए, तो हम सोचे क्यों ना सेम पीठा बनाया जाए, वो भी बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी जरूर। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको मिक्स करके, इसमें हम लोग मिक्स करेंगे और उसके बाद में फिर मिक्स करेंगे। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे करते हैं, ज्यादा हार्ड है नहीं, तुरंत झटपट बनेगा और बहुत। तो आप लोग की लैंग्वेज में से क्या कहते हैं वो भी जरूर से बताइएगा, मतलब तो कमेंट कीजिएगा। पतपोड़ा रोटी बोलते हैं, चावल का पतपोड़ा रोटी, चावल पीठा, सेम पीठा, अनेकों तरीका से नाम है, तो आप लोग देखिए, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ठंडे के दिन में गरम गरम सेम रोटी एकदम। तो इधर देखिए श्यामली उसको मिक्स कर रही है उसमें, उसके लिए बचा देते हैं, उतना आशा में आया है राहुल, तुम्हारे लिए थोड़ा सा बचा हुआ है, पेट दर्द करेगा नहीं तो। तो इधर मिक्स कीजिए इसको, ठीक है, अब इस प्रकार से इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी देना होगा हमको लगता है। तो इधर श्यामली पूरा अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर रही है, आपको थोड़ा अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है, जैसे आप लोग पकौड़ी वगैरह सब बनाते हैं तो किस प्रकार से मिक्स करते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको मिक्स करना है खूबसूरत तरीके से। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, क्योंकि सब्जी में जो नमक दिए तो सब्जी के अकॉर्डिंग था। हाँ, अभी इसमें चावल मिलाए हैं तो ये थोड़ा सा नमक इसमें हम डालेंगे। तो इधर श्यामली नमक भी मिक्स कर ली है, इसका ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, रखिएगा ताकि ऐसे दे करके ऐसे से करने बनेगा, पानी में हाथ डुबा करके। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, अब हम गैस को ऑन करेंगे और तवा को गर्म करेंगे। इधर फैमिली पत्ता से कुछ उन रही है, जिसको हम लोग पहले से तोड़ करके लाए थे, वो भी जंगल से, जंगल नहीं है वो, अभी हम लोग दूसरे जंगल से तोड़ करके लाए थे। ये साल के पत्ते हैं जिसमें आप आराम से पका सकते हैं। तो गाइस इधर थोड़ा सा लगा दे रहे हैं, ये पत्ता में अच्छा से लगा दे रहे हैं, ऐसे कच्चा पत्ता में ज्यादा टेस्टी लगता है, तो कच्चा पत्ता कहाँ से उसमें मिलेगा? स्मेल मिलेगा आपको, सोंधा सोंधा वाला स्मेल आएगा। पहले से ला के रखे थे ये पत्ता, उधर बंगाल ये मुकुटमणिपुर गए थे उस समय लाए थे, उधर का जंगल का, ये बंगाल का पत्ता है। और वो बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था, तो वो फ्रेश है अभी, तो उसको इस प्रकार से रख देना है आपको।
अब जो तैयार किया गया है मटेरियल अब इसमें अच्छी तरीके से डाल देना है। तो इस प्रकार से आप उसको अपना साइज़ के अनुसार आप जितना बड़ा खाना चाहते हैं, आपके पास में जितना बड़ा पत्ता हो आप उसको सील करके भी बना सकते हैं। हमारे पास में सबसे बड़ा पत्ता है तो हम लोग उसी में ही इसको ट्राई कर रहे हैं। इसके ऊपर में फिर हम लोग दूसरे पत्तों को भी देंगे, कवर करेंगे और फिर इसे हम लोग ढाँप करके पकाएंगे कवर करके। तो ये वो पत्ता तैयार हो गया है। हम कर देते हैं फुल और इसको सेट कर देते हैं कि किधर से ये इसको ऐसे चिपका देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का तैयार, अब हम लोग इसको कवर कर देंगे। तो गाइज ये हो गया है अब कवर, अब हम लोग इसको पकने देंगे कुछ समय तक के लिए, जब तक ये पकने जाती है तब तक के लिए असेंबली कुछ बोलना चाहेगी। कितना देर तक पकने देंगे जी इसको हम? वो देखना पड़ेगा बीच बीच में अलट पलट करके, जब पक जाएगा तो वो कलर अपने पता चल जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग पकने देते हैं, फिर उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं जो है वो पकना। कलर चेंज हो गया है इसका, अब देखिए एक बार हम उठा करके देखेंगे। अच्छा पलटी करते ठीक है अपना इधर से। देखिए ये जो इस प्रकार की जो पकती है ना, एक्चुअली में अगर आप लोगों के पास में लकड़ी की चूल्हा हो अगर तो उसका तो बात ही लाजवाब है। हम लोग घर जाएंगे ना तो पक्का आपको वहाँ लकड़ी का चूल्हा में मीट रोटी बना के दिखाएंगे। हाँ, मीट रोटी किस प्रकार से बनाया जाता है उसका आप लोग दिखाएंगे, उसको किसके साथ पे खा सकते हैं ये भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो इसको पकने देते हैं फिर से। सो गाइस ये हमारा रोटी पककर तैयार हो गया है। अंदर देखिए इसका कलर, ये इस प्रकार का चेंज हो गया और ये पत्ता से छोड़ने उसकी जो स्मेल है ना पत्ता से, वो आप उसका स्टीम देख सकते हैं, वो बड़ा टेस्टीदार बन रहा है, मस्त है। तो इसको हम लोग अब उतारेंगे। गाइस देखिए इतना सारा तो बन के रेडी हो गया है, कुछ हम ना छोटा छोटा भी बनाए हैं, कुछ छोटा कुछ बड़ा मिला करके बनाए हैं। ये देख रहे इतना जितना टेस्टी है देखने में लग रहा है ना, उतना टेस्टी मतलब क्या बोलेंगे, इसके जो खुशबू है ना लाजवाब आ रहा है, बस मन कर रहा खा ले। गाइज यहाँ देखिए बन के सब रेडी हो गया है और ये लोग यहाँ टेस्ट करने के लिए बैठ गया है। तो जीभ निकाले लार पानी गिर रहा है, जल्दी से तो खाया जाए एक एक। वाह टेस्ट करके एंजल वाओ बताइए कैसे बना है। वाओ गाइस जी लोग देखिए खबड़ खबड़ खाना शुरू कर दिया है, मस्त मजा। जो नहीं खाया वो भी खाएगा। तो गाइज आप देखें कि कितना ही टेस्टी बना है, वो लोग टेस्ट करके भी देख लिए, तो आप लोग जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल सब्जी बनाते बस उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा और थोड़ा सा तीखा ज़्यादा डाल करके आप एकदम सिंपल तरीका से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, थोड़ा भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ये अब सीख गई है, हम लोग ब्लॉगिंग करते उसको पता चल जाता हाय बाय करना। तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने वीडियो को पूरा देखा और हमारे वीडियो को प्यार दिया। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे और फिर एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ आप लोग के पास आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंजल से बाय।